बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के अपडेट के साथ साथ एक कुछ अच्छी खबरें भी है, कुछ बुरी खबरें भी है। अच्छा, ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ, ब्लॉक 12 के अंदर, ये ब्लॉक 12 डीटी का इलाका है और यहाँ पर है मोहम्मदी मस्जिद है उसका वो वाला इलाका है, ये जो है जहाँ ये टेंट लगा हुआ है, ये मोहम्मदी मस्जिद है। तकरीबन पूरी मस्जिद शहीद हो गई, थोड़ी सी जगह बची है जहाँ पर जो है ना लोग बहुत ही मुश्किल से नमाज़ पढ़ते हैं। पहले तो ये है कि ये बता चलूँ कि अभी तक जो है ना जो मस्जिद जो शहीद हुई है उसको उसके बारे में कोई प्लान नहीं है कि इन मस्जिद को किस तरह ये तामीर करेंगे या कहाँ बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, जो यहाँ पर आज जो कुछ अच्छी खबर ये भी है कि सेकंड चेक जो है ना लोगों के बहुत सारे लोगों के मिल गए और मिल रहे हैं, और बहुत से लोगों को पहला जो चेक जो फंसे हुए थे, कुछ लोगों को वो जो पहला चेक जो है वो भी आ गए। अभी मेरे इलाके के अंदर ब्लॉक 12 के अंदर भी कुछ एक दो बंदे के जो है चेक आए हैं, जो पैकेज फर्स्ट चेक जो है जो फंसे हुए थे। अच्छा, बुरी खबर ये है कि मैं आपको बताता हूँ बुरी खबर, ये जो आप देख सकते हैं ये दीवार, ये अभी जो है ना दोबारा लोगों ने जो अपनी मदाब के तहत इस मस्जिद को इन्होंने जो है ख़र्चा करके तामीर किया है। ये मोहम्मदी मस्जिद है, ये आप फ्रंट साइड से मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये वाली, ये तकरीबन पूरी मस्जिद इन्होंने अभी जो है ना थोड़ी सी जो जगह बची हुई है उसको वहाँ पर जो है उन्होंने तामीर की है इसको। अच्छा, ये आपको ये जो दीवार नज़र आ रही है, ये दीवार जो है प्याला होटल की तरफ से यहाँ से इन्होंने अलग दीवार खींची है और वहाँ से ब्लॉक 12 में जो है तो ब्लॉक 11 जो कबाइल कॉलोनी वहाँ से वो दीवार आई है, तो ये तकरीबन अभी ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले एक पुल होता था कि फेडरल बी एरिया से नज़माबाद जाने के लिए, वो पुल तोड़ के वो पुल आप ये देख सकते हैं एक औरत ये जा रही है, तो यहाँ से जो है ना रास्ता बनाया है, यहाँ से रास्ता बनाया है, तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आगे की तरफ चलता हूँ, आगे के चलते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें यहाँ पर काम भी हो रहा है, यहाँ पर सरिया रखा हुआ है, सरिया काटा जाता है, सरिया को बैंड किया जाता है, सब यहीं पर तकरीबन जो ये साइड में जो काम हो रहा है वहाँ का जितना सरियों का काम जो है ना वो यहीं पर हो रहा है। ये आप ये देख सकते हैं कि जो दीवार खड़ी हुई है दीवार के बराबर में इन्होंने बाकायदा जो है यहाँ पर जो है सेवरेज की लाइन बन गई है यहाँ पर, ये देखें ज़बरदस्त, और यहाँ पर तकरीबन सेवरेज की लाइन मुकम्मल हो गई है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो एक साइड का जो गंदा पानी जो है उस सेवेज के लाइन के अंदर से होते हुए चला जाएगा और ये जो दीवार है इसके बीच में से जो है बारिश का पानी चलेगा, और इस तरह ये होगा कि क्या नाम है, एक तो कचरा इस पानी के अंदर जो सेवेज का पानी जाएगा उसके अंदर कचरा भी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये है कि कल को जो है ना मतलब नाला नहीं भरेगा। नंबर दो ये है कि एक इलाका भी साफ़ सुथरा हो गया, चलो ये भी अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बुरी खबर ये बताना जा रहा था कि जो बुरी खबर है वो ये है कि इसरार नाम का एक बंदा है, बंदा था जो कि केपीटी कराची बचाओ तहरीक के साथ और रेसिडेंशियल ऑफ गुजर नाला जो इस गुजर नाले के अंदर जो है ना लोगों के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं, और उनके साथ एक थे साहब जिनका नाम था इसरार भाई, जो पंजाब कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपना हक मांगते मांगते उनका इंतकाल हो गया है, इन्नालिल्लाहि वइन्नालिहि राजिऊन। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जितने भी वर्ड्स हैं उनके लिए जो है ना मगफरत की दुआ करें। ये जो थी बुरी खबर थी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने आर्जी तौर पर एक इन्होंने जो है ना रास्ता बनाया, ब्रिज टाइप का एक रास्ता बनाया यहाँ से नीचे से सरिया लगा के, ताकि लोग जो है यहाँ से आना जाना कर सकें। ये देखें, चलो मैं भी चल के देखता हूँ। ये बाबा के पीछे हूँ मैं, पर बहुत ही ख़तरनाक है, डर भी लग रहा है क्योंकि नीचे ये पट्टे हैं और पट्टे जो है चलते हुए जो ना थोड़ी अंदर मूवमेंट हो रही है। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सीवीओ के ऊपर से पुल के ऊपर से मैं जा रहा हूँ। ये दीवार यहाँ खड़ी हो गई है और ये आप देख सकते हैं, ये देखें दीवार की साइड के अंदर उन्होंने पानी को ट्रांसफ़र करके रखा हुआ है, तो उस साइड में काम हो रहा है, एक साइड में काम हो रहा है। ये फेडरल बी एरिया से मैं अभी नाजमाबाद में पहुंच गया।
जी, ये जैसे ही क्रॉस करते हैं हम इस नदी को, तो ये हम नाजमाबाद में इंटर हो जाते हैं। अब मैं नाजमाबाद में पहुंच गया और यहाँ से आप देख सकते हैं सामने एक वो सामने जो रेड कलर की जो ये लोहे की पतरियाँ नज़र आ रही है, ये यहाँ से उस साइड जाने के लिए रास्ता बनाया है। तो उस साइड से सेंटर में आने के लिए, फिर सेंटर से उस साइड जाने के लिए। ये है अपडेट मोहम्मदी मस्जिद के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग दुआ करें और आगे आप लोग आवाज़ भी उठाएं कि भाई जितने मसाजिद जो है शहीद किए, तमाम मसाजिद को दोबारा से तामीर की जाए। और जिन जिन लोगों के अब तक चेक और आइडिया नहीं मिली, उन लोगों को चेक और आइडिया इशू किया जाए। और अभी तक जो है गुजरनाला के जो लोग हैं उनको अभी तक मुतबादिल कोई घर नहीं मिला, और ना ही प्लान पेश किया और ना ही नक्शा पेश किया। तो गवर्नमेंट से, क्योंकि अभी नई गवर्नमेंट आ गई है, फेडरल गवर्नमेंट, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये जो मुतासरीन जो है, जिनको मुतासर कर दिया है, गरीब कर दिया है, इन लोगों का ख्याल करें और इन लोगों को जो है फौरी तौर पर जो मकान दिया जाए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।